नवरात्रि में सिलाई या बुनाई करनी चाहिए या नहीं, एक बार जरूर जान लें। शास्त्रों में नवरात्रि के 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। इन 9 दिनों में माँ भगवती के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में एकाग्र मन से देवी माँ की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा ज्योतिषों के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में इन कामों को करने की मनाही है। नवरात्रि में जहां देवी की अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है, जिसका अर्थ है मां साक्षात वहां विराजती है, इसलिए 9 दिनों में व्रत में इन कामों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, ज्योतिषों की माने तो नवरात्रि में एकादशी दिन तक नाखून बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। नंबर 2, यह भी कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक बाल कटवाने से भी बचना चाहिए। नंबर 3, जिन लोगों ने 9 दिनों के व्रत रखे हो, उन्हें इन दिनों न तो कपड़ों की सिलाई करनी चाहिए और न ही बुनाई करनी चाहिए। नंबर 4, ये 9 दिन माँ की आराधना के हैं और इसलिए इन 9 दिनों अखंड ज्योति प्रज्वलित की हो तो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नंबर 5, नवरात्रि के इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा के मंत्रों का जप करना चाहिए। नंबर 6, नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन करना चाहिए और जहां हो सके तो मदिरा से बचकर रहना चाहिए। उम्मीद करती हूं दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।